वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो आज हम देंगे ब्राउनी को और उसके भाई को बात देंगे टॉफी को। तो ये आज का व्लॉग जो है, जहाँ कल मैंने एंड किया था वहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो चलें जी, अब मैंने टॉवल ले लिया बेबी का और अब हम उसको नहलाते हैं। और नहलाने के लिए बच्चों के लिए हमने पानी को गर्म कर लिया है क्योंकि सर्दी हो गई है। ब्राउनी का बिफोर देख लें और अभी नहला के फिर इसका आफ्टर दिखाएंगे। ब्राउनी बैंगन के ऊपर इतनी प्यारा बेबी बना हुआ है। नूर की और बगीरा की मीटिंग हो तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं ना। ये नहा रहा है टॉफी। देखे टॉफी ने अपना सर कहाँ से पता नहीं गंदा किया हुआ है, ब्लैक किया हुआ है। टॉफी एक महीने का, आप इसको सिंक पे भी नहला सकते हो। चलो सिंक पे नहला। टॉफी टॉफी। अच्छा अब आप देखें, जैसे हम लोग ना कैट को फीड देते हैं ना, तो हम किटन फीड देते हैं, इसी तरह से हमने शैम्पू भी किटन वाला लिया है। क्योंकि किटन वाला शैम्पू बड़ी कैट को लगा सकते हैं, बड़ी कैट का शैम्पू जो किटन को नहीं यूज कर सकते। इसी तरह फीड भी हम किटन को ले लेते हैं ताकि वो एडल्ट भी खा ले। आज फर्स्ट टाइम बात ले रहे हैं और वेदर चेंज हो गया है तो फिर माशाल्लाह देखे हेल्दी है। हाँ ये देखो बहुत ज्यादा गंदा हुआ हुआ है। टिफी को आज हम नहीं नहला रहे क्योंकि टिफी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये देखें, ये बेबी ब्राउनी अपनी टर्न का वेट कर रही है खड़े होकर। इसके सर पे जो ये कान के ऊपर भी ब्लैक स्पॉट है, इसके ऊपर पता नहीं कहाँ से ब्लैक हुआ हुआ है। बस ये हाथ में ना, हाथ इसका मुंह नरम करना है, फिर किसी ना टिश्यू वगैरह से या कपड़े से साफ कर लेना। इसके मुंह पे नहीं पानी डालना, पानी नहीं डालना, बस हाथ गीला करके ना उससे क्लीन करना है फेस। और बाद में हम जब टॉवल से इसको ड्राई करेंगे ना तो फिर ये और बस ये हो गया है। अब इसका मुंह ना मैंने धोया नहीं है, सिर्फ पानी डाल रहा है, हाथ गीला करके क्लीन किया। फोन रो रहा है अंदर आने के लिए। चलो ठीक है, मैं टॉवल लाती हूँ। लो मुझे दे दो इसको, मैं ड्राई करती हूँ, आप ब्राउनी को पकड़ लो। अब बेबी ब्राउनी नहा रही है। ओए अल्लाह जी, डर गया मेरा बेबी, बड़ी तेज है। लाइफ का फर्स्ट बार, और इसकी एज है ये 1.5 महीने की हो गई है। अगर इनको जरूरत ना होती ना तो हम ना नहलाते, बहुत ज्यादा गंदे हो रहे हैं। अब स्कूबी को हमने आज तक नहीं नहलाया क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। जब कैट को अगर जरूरत नहीं है ना नहलाने की तो आप ना नहलाएं, कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये देखें बेबी के ऐसे ऐसे हम नहलाना कि उतला ऐसा ऐसा और नीचे वाला ऐसा हो जाए। छोटा सा चूहा, ये मफिन रो रहा है, छोटा मफिन। कोई जितना ही साइज है। बॉडी पे शैम्पू लगा तो नहीं रहेगा। ठंडे पानी से नहलाने की गलती भी नहीं करनी इस मौसम में।
अब ये देखें अलकल का गीला हाथ करके, पहले मैंने हाथ अच्छी तरह तरह साबुन वाला वॉश कर लिया ताकि साबुन लगा ना रह जाए। अब गर्म पानी लेके अब सिर्फ इस तरह इसके ना आंखों पे मारूंगा और ताकि ना गंध नरम हो जाए। ये कानों में भी अलकल का इसलिए गीला हाथ मारते हैं कि जब अंदर मैल फंसी हुई है वो भी ये देखें हो गई। छुटका किधर है? वो सोफे के नीचे गया। अब हम बेबीज को ड्राई करने लगे हैं और हम लोगों ने पहले अच्छी तरह से इनको टॉवल ड्राई कर लिया है और फिर ड्रायर के साथ ड्राई कर रहे हैं। अच्छा, कैट्स वाले घर में ड्रायर होना बेहद ज़रूरी है और अब जैसे कि विंटर्स अब स्टार्ट हो रहे हैं तो विंटर्स में तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे कभी गीले हो जाते हैं, कभी डायरिया होने की वजह से पीछे से उनको वॉश करना पड़ जाता है, तो उनको ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, साथ साथ में ब्रश करते जाएँ, ब्रश करते हुए ड्राई करें ना तो बहुत जल्दी कैट या किटन जो है ड्राई हो जाता है। और किटन्स तो बहुत जल्दी 5 मिनट में एक किटन ड्राई हो जाता है। तो बस अब हम बेबीज़ को ड्राई कर लेते हैं दोनों को और फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और आपने ब्राउनी को पहले भी देखा है कि ब्राउनी कैसी लग रही थी, इतनी वीक सी, क्योंकि उसके बाल सारे जो है ना वो स्टिकी हुए हुए थे सीरप पी पी के। और अब माशाल्लाह देखें कितनी हेल्दी हो गई और कितनी प्यारी लग रही है। और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गई है, अब तो सब कुछ खाती पीती है, चिकन भी खाती है, बिस्किट्स भी खाती है, दूध पीती है, सूप पीती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसको नज़रे बद से बचाएँ। अब बारी है ब्राउनी के भाई की, टॉफ़ी की। अच्छा, टिफ़ी भी थोड़ा सा बीमार हुआ हुआ था, बीमार ऐसे था कि अब डाइट चेंज कर रहे हैं ना, सब कुछ खा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा डायरिया था और थोड़ा लेजी लेजी सा हुआ हुआ था, तो मैंने उसको नहीं नहलाया टिफ़ी को, टॉफ़ी को नहला दिया। टॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, हर चीज़ में खाता है, बिस्किट्स के बाउल में घुस जाता है, जिस वजह से बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ये। और इसकी भी देखें फ़र, इसकी लेंथ देखें कितनी अच्छी है। और ये सारे ये जो तीनों बच्चे हैं ना, ये ट्रिपल कोटेड बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी भी मैं अभी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। नहाने के बाद इनके जो कान हैं वो ज़रा सॉफ्ट हुए होते हैं, तो इस टाइम पे एयर क्लीनिंग भी कर लेनी चाहिए। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बेड से भी करवा सकते हैं। बस बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ किटन्स के एयर क्लीनिंग करनी होती है। और अब माशाल्लाह से दोनों फ्लफ बॉल्स जो हैं नहा के फ्रेश हो चुके हैं। टॉफ़ी को बहुत सर्दी लग रही थी, और टॉफ़ी के और इसके ब्राउनी का साइज़ का डिफरेंस देखें, ब्राउनी कितनी छोटी है और टॉफ़ी माशाल्लाह से कितना बड़ा है। ब्राउनी आप तो कैसे गुब्बारा बन गई हो है ना, नहाने से पहले मैंने आपको अभी दिखाया था ना कैसी थी ये, और नहाने के बाद देखें इसको, माशाल्लाह बाल देखें, एक बाल भी नहीं उतर रहा, बाल भी नहीं उतर रहा। और टेक्सचर देखें मेरी उंगलियों से कितना ऊपर है, जो कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं प्योर ट्रिपल कोटेड बच्चे, ये प्योर ट्रिपल कोटेड है। उमेश ब्राउनी आपको सर्दी लग रही है, आप पिलो के पीछे चले जाओ, अभी सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने की है। माशाल्लाह, उसको इसके भाई को देखें, भाई का या फर देखें। ओए मेरे परेश, छोटे से टॉफी को सर्दी लग रही है, मेरे साथ कंफर्टर में छुप जाओ, आओ मम्मा के पास चलते हैं। मम्मा माशाल्लाह, मेरा छोटा सा कब, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस जी, अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे अपना आलू का पराठा, दही और हाफ कप चाय। और ये पराठा नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा कुक हो गया था, बट बहुत मज़े के बने थे। तो बस आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूँगी आपके साथ कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।